देखिए जब जब कोई जना इस तरह के घिनौने आरोप लगाए कि भाई मैं भाजपा का एजेंट हूँ, भाजपा के कहने पर कर रहा हूँ, और उसके ऊपर से झूठ का पुलिंदा खोल दे और ये बोले कि 2014 में भी वही बिल लाए थे, रामलीला मैदान में भी वही बिल पास किया था, जो बिल्कुल झूठ, तब गुस्सा आता है और वो कई बार गुस्सा जो है वो निकल आता है। वो ठीक है कि हमको फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। जैसे जब मुझे मेरे चेम्बर में आकर कुछ लोगों ने पीट दिया था तो मुझे उस समय आखिर में थोड़ा गुस्सा आ गया। उसमें से एक जने को जब पकड़ लिया था उसको मैंने भी एक थप्पड़ लगा दिया। अब गुस्से में आप कई बार कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं आना चाहिए। लेकिन अब आप देखिए कि किन सर्कमस्टांसेस में वो गुस्सा आया। आपने सर बात की बहस करने के लिए कि आम आदमी पार्टी खुद अरविंद केजरीवाल को भेजे और जनलोकपाल बिल जो है उसको लेकर चर्चा हो या बहस हो, किस तरह की बहस आप चाहते हैं? और क्या नहीं, बिल्कुल इस पर पूरा डिबेट हो जाए कि भाई जनलोकपाल बिल किस आधार पर बनाया गया था, उत्तराखंड का किस आधार पर बनाया गया था, जिसका ये लोग कहते हैं कि हूबहू हमने उत्तराखंड का कॉपी कर लिया, फिर कह रहे हैं हूबहू हमने जनलोकपाल बिल को कॉपी कर लिया जो अन्ना आंदोलन के समय बनाया था, फिर कह रहे हैं हूबहू हमने दिल्ली का 2014 का कॉपी कर लिया है। अरे भाई वही कॉपी करना था तो 9.5 महीने क्यों वेट किया? बार बार ये क्यों कह रहे थे कि मैं उसको बना रहा हूँ, मुझे अभी थोड़ा और टाइम लग रहा है, मैं ड्राफ्ट कर रहा हूँ, बार बार ट्वीट कर रहे थे अरविंद, जब ये पूछा जा रहा था कि भाई इतनी देरी क्यों हो रही है, 9.5 महीने क्यों लग रहे हैं इसमें? और फिर अगर आप ये कह रहे हैं कि हूबहू वही बिल है तो आइए डिबेट कर लेते हैं कि हूबहू कौन सा बिल है। सारे बिल का हम लोगों ने, सारे बिल यहां पर है, एक एक बिल यहां पर है, सारे बिल का पूरा एनालिसिस इन 6 इश्यूज पर हमने करके आपको ये चार्ट दिया हुआ है जिससे समझ में आ जाएगा। तो ये गोयबल्स की तरह ये कहने, ये झूठा प्रोपोगंडा कराने के बजाय आकर कहीं डिबेट कर लें कि भाई जनलोकपाल बिल में क्या था, 2014 के बिल में क्या था, उत्तराखंड के बिल में क्या था, और आपके 2015 के बिल में क्या है, इसका खुला डिबेट कर लें किसी भी मंच पे कर लें। सर एक चीज और,